80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के प्रण के साथ मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज के श्रद्धे बाबू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सम्माननीय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, ऐसे हमारे सांसद राजवीर सिंह राजू भैया जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रिजेश जी, श्री पीयूष गोयल जी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी, मंच पर उपस्थित सभी यूपी सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भूपेंद्र जी, और आज बापू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं केवल दिल्ली से एक ही काम के लिए आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम भक्त और पिछड़ों के कल्याण के उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने वाले श्रीमान कल्याण सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बाबू जी को श्रद्धांजलि देता हूं और उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। दो लोग बाबू जी को जानते हैं, वैचारिक कर्मठा, प्रशासनिक कुशलता और संगठन की दक्षता और पिछड़ों और गरीब के प्रति असीम संवेदना का प्रतीक बाबू जी कल्याण सिंह थे। ये तो आज मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं उस दिन कोरोना के कारण अस्पताल में था जब मोदी जी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया। उस दिन मैंने बाबू जी को फोन किया था, उन्होंने कहा था मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जीवन का लक्ष्य आज समाप्त। गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना और तीसरा सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। आज मुझे बड़ा हर्ष है कि तीनों कामों को नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करोड़ों गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारे गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम किया। और दूसरा, बाबू जी ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी
समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। और मोदी जी ने भी ये सारी सुविधाएं पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा से ज्यादा मिली। उसके अलावे राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। नीट की परीक्षा में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात करी, गरीबों को भी रिजर्वेशन दिया। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। ओबीसी पिछड़ा समाज के उद्योगपतियों के लिए कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की। संविधान संशोधन करकर ओबीसी को बैकवर्ड क्लास पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है।